हेगा दिस लपकोस। सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज जारी कर दिया है, किसके लिए? सेमेस्टर फाइव के लिए, जो लोग भी बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फाइव के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। ये आज का दिन का है, 2 दिसंबर 2024 का, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिलअप होगा और आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि जो आपका कॉलेज है वो चेकलिस्ट जारी कर देगा 6 दिसंबर 2024 को। ये चेकलिस्ट में क्या होगा? तो ये चेकलिस्ट में आपका जो कॉलेज है वो सारे स्टूडेंट का नाम भेजेगा, किसको? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के, जो लोग भी एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका नाम चेकलिस्ट में आ गया देन आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप करना है और लास्ट डेट क्या है, चलिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर बी में यही लिखा है कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे, कहाँ एग्ज़ाम फिलअप करोगे? तो CUExam.net पे और CUExam.in पे आप जाके अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या करना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका प्रिंटआउट निकलेगा उसे लेके कॉलेज में जमा कर देना है। उसके साथ साथ जो आपका कुछ फीस होगा सेमेस्टर फाइव का, वो फीस भी आपको कॉलेज को जमा करना पड़ेगा। आई थिंक वो 200 या 300 रुपये होगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, कि आपका कोर्स क्या है, बीए है, बीकॉम है और बीएससी है, जनरल है, ऑनर्स है, इसके बेस पे फीस निर्धारित होता है। अब बात करते हैं कि फीस देने का लास्ट डेट क्या है। तो देखिए ये भी बता दिया है कि 20 दिसंबर तक आप लोग फीस भी कॉलेज को जमा कर सकते हो और उसके बाद कॉलेज का काम है कि वो सारा डेटा लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को भेज देगा। तो ये हुआ कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप होगा, 10 से लेकर 16 तक। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपका मिलने वाला है 3 जनवरी 2025 को। यस, आपने सही सुना, 3 जनवरी 2025 को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा सेमेस्टर फाइव का। और आपको पता ही होगा कि एक बार एडमिट कार्ड मिल जाता है तो उसके एक सप्ताह में ही एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। तो 3 को आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, तो मान लेते हैं 10 या 12 से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके सेमेस्टर फाइव में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू अगेन।